बॉक्स ऑफिस पर पठान, जवान, जेलर, विक्रम, बाई पण भारी देवा, अखंडा, इन्होंने ये प्रूफ किया है कि एज इज जस्ट नंबर। कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि शाहरुख खान, रजनीकांत, ममूटी, कमल हासन ये फिल्मों के अलावा इन सुपरस्टार्स में कॉमन क्या है? जहाँ इन सुपरस्टार्स ने बहुत पहले ही 50 क्रॉस कर लिया है, वहीं इन्होंने अपनी आखिरी कमाई से लेकर बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट भी देखी है। फिर उन्हें अपनी इंडस्ट्री में ऐसी ताबड़तोड़ सक्सेस मिली जिसने पूरी कहानी बदल दी और एक एग्जांपल भी सेट हुआ। इस लिस्ट में सनी देओल भी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। सनी देओल और उनकी गदर 2 ने खुद मेकर्स के साथ साथ ट्रोलर्स के भी होश उड़ा दिए। 2011 में रिलीज हुई ये अमला पगला दीवाना पार्ट 1 हिट रही थी। उसके बाद सनी देओल के पास ना तो कोई अच्छी फिल्में रही और ना ही उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिली। ये अमला पगला दीवाना 1 के 12 साल बाद 65 इयर्स की उम्र में सनी देओल ने 2023 में गदर 2 के साथ गदर मचाया। गदर और सनी देओल के कैरेक्टर ने काम किया और फिल्म ने बड़ी कमाई की। आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वो लास्ट सुपरस्टार है, उनके बाद कोई नहीं होगा। उन्होंने अपने फनी अंदाज में कहा कि कोई भी नया आने वाला स्टार उनका कॉम्पिटिटर नहीं होगा। शाहरुख तो अभी 56 इयर्स के हैं और बॉक्स ऑफिस पर तूफान की तरह वापस लौटे हैं, और वो भी कुछ इस तरह से। SRK की 57 करोड़ के साथ पठान हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। साथ ही ये हिंदी सिनेमा की फर्स्ट 500 करोड़ की फिल्म भी बन गई है। बता दो कि पठान से पहले उन्होंने जो भी फिल्में की जिससे फैंस डिसअपॉइंट हो गए, किंग खान के पास जीरो, जब एरिमेट से जल, फैन जैसी कई फ्लॉप फिल्में थी, और ये ऐसी फिल्में थी जिनमें शाहरुख खान ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, या यूं कहें कि उन्होंने बहुत पापड़ बेले। मीडिया क्रिटिक्स ने तो उन्हें ना के बराबर ही माना और ये भी एडवाइस दी कि उन्हें लीड कैरेक्टर छोड़कर साइड रोल करने की जरूरत है। इसके बाद शाहरुख खान बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ वापस आए, जैसे कि वो हमेशा एग्जांपल देते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और अपनी सिग्नेचर स्टाइल से फैंस का वेलकम किया। वैसे उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान को पठान से भी बड़ा बताया जा रहा है, और ये फिल्म हिंदी सिनेमा में एक बेंचमार्क सेट करेगी। जवान के बाद फिर हिट मशीन डायरेक्टर राजीव वीरानी की डंकी तो है ही, जो शायद ही कभी गलत हो सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मतलब बात करते हैं थलाइवा रजनी सर की, उन्हें बहुत पहले ही भगवान का दर्जा मिल चुका है और वो कई हिट और फ्लॉप फिल्मों से ऊपर है। यहाँ तक कि फैंस उनके कटआउट की पूजा करते हैं और उनकी फिल्म रिलीज होने पर भी पूजा करते हैं। वन वर्ड में कहूँ तो रजनी सर एक इमोशन है। लेकिन बॉक्स ऑफिस की कहानी तो कुछ और ही है। यहाँ तक कि रजनी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्शन को रिटर्न नहीं मिल रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पिछली रिलीज अनाथे, पेटा, दरबार ने कमाई खो दी। 2.2 अच्छी थी, वही काला कुछ ज्यादा नहीं चल पाई। इन फिल्मों के बाद रजनी सर 2023 में जेलर लेकर आए और बॉक्स ऑफिस पर आग लग गई। 72 इयर्स की उम्र में अनबिलीवेबल स्टाइल, क्लास, पर्सनालिटी से रजनी सर ने स्टेडियम के बाहर सिक्सर मारा। ग्लोबली इस फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार किया और फाइनली रजनी सर ने हमें दिखाया कि हु इज द रियल बॉस। शाहरुख खान, रजनीकांत के बाद कमल हसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें अपनी लास्ट रिलीज से कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। फिर 67 साल की उम्र में कमल हसन ने विक्रम से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी और 2022 की ग्लोबली सुपरहिट फिल्म बनकर दुनिया भर में 400 करोड़ की कमाई की, जिससे वो बन गए इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी एक ग्लोबल आइकन है। ममूटी ने 2022 में भीमा पर्वम नाम की एक सुपरहिट फिल्म दी। 71 ईयर के इस आइकन ने मलयालम सिनेमा में 9200 करोड़ की कमाई करने वाली ये फिल्म दी। ये उन फिल्मों में से है जो मलयालम सिनेमा में ज्यादा से ज्यादा 75 करोड़ क्रॉस कर देती है। तेलुगु स्टार NB के कहे या बालैया पिछले कुछ टाइम से अच्छी फिल्में नहीं दे पा रहे हैं। अपनी उम्र से 1/3 एज की हीरोइंस के साथ रोमांस करने के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। वैसे बालैया का चार्म काफी अलग है और अभी भी वो फिल्मों में एक्ट्रेसेस को दीवाना करते हैं। आपको बता दूं कि 62 इयर्स में जब अखंडा रिलीज हुई तो बालैया ने ट्रोलर्स की जुबान पर ताला लगा दिया। फिल्म को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया और फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया। ऐसे में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और सभी को मैसेज दिया कि बालैया बस यही पर रहेगा। मैं इस लिस्ट को मराठी सिनेमा के एक सरप्राइज सुपरहिट के साथ एंड करती हूँ। ये फिल्म है बाई पण भारी देवा, जो 6 बहनों के बारे में है जो लॉन्ग टाइम के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। इसमें मेन लीड है रोहिणी हट्टागंडी, जो ऑलमोस्ट 70 इयर्स के करीब है, और वंदना गुप्ते, जो 70 इयर्स क्रॉस कर चुकी हैं। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई और इंडिया में बाई पण भारी देवा ने 70 करोड़ का आंकड़ा
पार किया और इस फिल्म ने रोमांटिक फिल्म सैराट को चैलेंज किया जो मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है। फिल्म देखने के बाद ये साबित होता है कि एज इज जस्ट नंबर और अपने करियर को फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। शाहरुख खान यहाँ रहने के लिए आए हैं और रजनी सर भी, और ऑडियंस उन्हें जल्द ही जाने नहीं देगी। मैं इस पर आपकी क्या राय है, डू कॉमेंट एंड फॉलो कोई मोई।